Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. It's Ukrainian Rafika. आप सबका स्वागत है मेरी मम्मा के किचन में, क्योंकि खाना तो मम्मी बनाती है, मेरे से तो होगा नहीं ये सारी चीज़ें. आज हम बनाएंगे बच्चों का लंच. तो आज की रेसिपी है स्पेगेटी, जो मम्मा खुद के हाथ से बनाएंगी. जैसे कि आपने पहले ही देख लिया, उन्होंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, सॉरी फॉर दैट. और अब उन्होंने जो डो है उसको प्रॉपर सर्कल काट के उसके लंबे लंबे स्ट्रिंग्स काट लिए हैं. अब उनको बॉईल करेंगी हॉट वाटर में, बॉइलिंग वाटर में, जिसमें उन्होंने पहले से पानी डाल रखा था और नमक भी डाला था स्वाद अनुसार, जैसे कि आपको स्वाद चाहिए. तो सारे स्ट्रिंग्स निकालने में बहुत दिक्कत होती है ऐसे. तो इसको निकाल के हम बॉईल करने के लिए रखेंगे, अच्छे से बॉईल करेंगे. आपको बीच बीच में चेक करना है कि ये पका है कि नहीं. जिसको पतला खाना है वो और ज़्यादा थिन बना सकता है, और जिसको मोटा चाहिए वो थिक. तो आप देख सकते हैं कि मेरे भाई को मोटे मोटे नूडल्स पसंद है, उसी के लिए लंच बन रहा था, तो इसलिए हमने थोड़े से मोटे रखे, लाइक मम्मा ने रखे. अब हमारा जो नूडल है वो बॉयल हो चुका है. अब हम फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे. सबसे बारी आती है एग की. यस, ये एग नूडल होने वाला है. तो हम सबसे पहले एग और उसमें नमक डाल के उसको फ्राई करेंगे अच्छे से. जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मम्मी बहुत शिद्दत से खुरचने की कोशिश कर रही है, लाइक तोड़ने की कोशिश कर रही है भुर्जी जो बनाना है इसका. तो इसको तोड़ के अच्छे से फ्राई करके इसको साइड कर लेंगे, और फिर हम वेजेस काटेंगे जो मेरी मम्मा ने पहले से तैयार रखा है. जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हरे मिर्च है, अनियन है, धनिया पत्ता है. धनिया पत्ता जो लास्ट में काम आने वाला है, यू ऑल नो फॉर गार्निशिंग. अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें फिर अनियंस डालेंगे. अनियंस को सॉटे करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि उनका स्वाद आहार आए बिल्कुल अच्छे से टेस्टी. अब इसमें ग्रीन चिली डालेंगे. ग्रीन चिली ऑप्शनल है बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे स्पाइस पसंद करते हो तो आप डाल सकते हो, वरना जस्ट अवॉइड इट, देने की कोई ज़रूरत नहीं है. और फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से. अब इसमें आ गई नूडल्स की बारी. आप यहाँ तो नूडल्स को ठंडे पानी में ऑयल के साथ भी सोक करके रख सकते हो, उससे वो स्टिक नहीं होते. और ऐसे तो वैसे भी गर्म पानी से धुलने के बाद थोड़ा ठंडा पानी डालना ही चाहिए उसमें, फॉर अवॉइडिंग स्टिकीनेस. अब इसमें हम एग फ्राई डाल देंगे अपना, और इसको बहुत अच्छे से सॉटे करेंगे. अब इसमें जो मसाले पड़ेंगे, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है सॉस, जिसकी सॉस बनती है. उसके लिए मैगी सॉस आपने देखा, मायोनीज देखा, और फिर जो हमारा सीक्रेट मसाला है वो तो आपने देखा ही होगा, चिली गार्लिक पेस्ट. ये सेजवान का चिली गार्लिक पेस्ट है, हमने इसमें डाल दिया, मायोनीज डाल दिया. और फिर हम इसमें डालेंगे केचप, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर टेस्टी टेस्टी. हमने इसमें केचप डाल दिया. अब इसको हम सॉटे करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे. और अब इसको प्लेट में निकाल लिया. आप सब देख सकते हो कितना ज़्यादा एग्जॉस्टिक लग रहा है, कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे. बहुत सारे स्टेप्स के बाद अब जाके मुझे मिला है मम्मी के हाथ का बना हुआ स्पेगेटी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक नूडल्स एंड ऑल सब कुछ. और आज पहली बार घर पे मम्मी ने बनाया है, तो लेट्स ट्राई. ओके, मैं छोटा सा लूँगी. ठीक है, फर्स्ट ट्राई अच्छा है, उतना भी बुरा नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है. अपने स्पेगेटी को मैं एंजॉय करती हूँ, आप मेरी वीडियो एंजॉय करो, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना. बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.